बार मेरे हिबिस्किस को है, जासवन को देखो पिंक फ्लावर लगे। इसकी मैंने मधुरी के यहाँ से एक छोटी सी ब्रांच लाई थी, इन्हें फांदी लाई थी, तो उसको देखो इतना बड़ा हो गया और बहुत सारे तीन फूल खिले हैं। एक दिन पहली बार एक खिला, लेकिन आज तीन तीन खिले और बहुत सारे इसको कलियाँ भी आई है। तो ये नया है इसलिए मैं दिखा रही हूँ। और घर का आटा ख़त्म हो गया था, तो इसलिए फिर मैं अपनी चक्की पे गई थी आटा पिसाने के लिए। तो वहाँ अभ्यंकर नगर में बहुत बड़ी देवी भी बैठती है, तो मैं सोची चलो आपको मैं देवी भी दिखा देती हूँ और मेरा आटा पिसाने का भी काम हो जाएगा। तो इसलिए अभी मैं जा रही हूँ चक्की पे। और ये अभ्यंकर नगर के देवी का गेट है, डेकोरेशन बहुत सुंदर रहता है और लाइटिंग भी बहुत बढ़िया की रहती है यहाँ पे। और ये वहाँ की देवी है, तो ये चक्की के पास ही था यानी अभ्यंकर नगर में देवी। तो मैं सोची चलो आप लोगों को देवी के दर्शन देती हूँ और मेरा काम भी कर लेती हूँ, आटा भी पिसा लेती हूँ। और देवी भी बहुत सुंदर थी और वहाँ की रंगोली भी बहुत फेमस रहती है। यहाँ हर दिन अलग अलग रंगोली निकालते हैं, मैं दिखाती हूँ आपको। और ये देखो ये रंगोली इतनी, ये फेस निकालते हैं देवी का या दूसरी भी डिज़ाइन निकालते हैं, लेकिन रंगोली बहुत सुंदर निकालते हैं यहाँ पे लोग। तो देवी प्लस रंगोली दोनों देखने के लिए यहाँ पे आते हैं। और मुझे पैकेट का आटा बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, इसीलिए मैं हर महीने में ऐसे गेहूँ लेके जाती और पिसा के आती। और ये जो हमारा पिसाने वाला दादा है ना, इसकी बहुत इच्छा थी कि मुझे वीडियो मिलो। तो और यहाँ अनाज भी मिलता है और पूरा साफ करके भी देते हैं। और हमेशा की ये हम मेरी शॉप है, यहाँ आटा लाती। और अभी पार्लर आई थी आईब्रो करने के लिए, बहुत तड़क आईब्रो बहुत दिन के बाद की थी, तो हो गया ये भी एक काम। और अभी हम लोग आए रघुनाथन मैडम के यहाँ, लता के। तो देखो कितनी सुंदर, बहुत सुंदर इनके यहाँ वो गोलू रहता है ना, इसलिए बहुत सुंदर डेकोरेशन किया। और ये देखो रंगोली कितनी सुंदर बनाई है, बहुत ही सुंदर बनाई है फेस इस तरह से। ये पण छान केलं ना, है कि नहीं? हो आणून इतकं धिंगाणा होऊन जाते त्याचा। आएगा तो नाही ना, तो उधर भी मैं बाहर गई थी और वैसी आई हूँ क्योंकि ये दीदी मेरे यहाँ आके बैठी थी, फिर मैंने सोची कि जान दो अभी जाना है। मैं ऐसी कुछ साड़ी वाड़ी नहीं पहनती, ऐसी चली जाती हूँ। हाँ रंगोली बहुत सुंदर, हाँ क्या, हाँ बहुत सुंदर। और फेस भी बहुत सुंदर निकाला है, ऐसे एकदम अट्रैक्टिव लग रहे हैं। हाँ बहुत अच्छा, अच्छी, हाँ बहुत अच्छे निकाली है। तो अभी ये लता मैडम है लता, और ये जो बहुत सुंदर गाना गाया था ना, वो है उनकी बहू। और ये दोनों सास बहू देखो, तो उनके यहाँ कुछ हल्दी कुकू का प्रोग्राम था, कुमकुम का। घर देखो कितना सुंदर सजा के रखे है। तो इस तरह से अभी मैं, हाँ क्या, हाँ क्या, हेलो। तो अभी हम लोग आए हैं और मैं ऐसी आई हूँ, साड़ी वाड़ी कुछ पहनी नहीं। हाँ क्या, देखिए वही घर सुंदर एकदम। हम लोग ना बहुत, मेरा बेटा आया था देखने के लिए, कुछ काम हो रहा था ना, तो उधर में हमारे उधर में थोड़ा टाइल्स की, हाँ। तो बेटा बोला जाके देखता हूँ, यदि होगा तो थोड़ा। और ये देखो ये जो लता मैडम है ना, इनका दो घर मिलके एक बड़ा, मैडम मत बोलो, हाँ लता ही बोलो बोलते हैं। तो मुझे ज्यादा अच्छा ना ऐसे सिंगल नाम ही लेना अच्छा लगता, लेकिन कोई कोई लोगों को लगता नहीं, अरे कैसे नाम लेके, हम लोग तो नाम ही लेके बोलते हैं। तो इतना सुंदर घर बनाया है इन्होंने, देखो ये घर का मैं टूर देती, बहुत ही सुंदर, एकदम ऐसे लग ही नहीं रहा कि हमारे कॉलोनी का घर है। ये देखो ऐसे बड़ा सा, अरे दो घर मिलके एक घर बनाया इन्होंने। तो जो हमारे रो हाउस है ना,
और देखो ये इन्होंने यहाँ पे टीवी रखा है और ये माँ जी ये जो है थोड़ा सा इसका ये किया यहाँ पे एक ही दिन अमावस्या का अच्छा वो पितृमोक्ष अमावस्या संडे उसी दिन एक दिन अच्छा अच्छा हमारे यहाँ उसी पर हाथ नहीं लगा अच्छा ये पूजा का कमरा मेरा हमेशा खाली रहता तो इसमें से मेरे को सामान शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती और ये है इसको कहीं तो उठा के देते होंगे ना क्या ये तो रिस्पेंडल होता है अलग अलग निकलता अच्छा। इसको पैक करके पड़ा अच्छा। और ये पूरे बॉक्स में चला जाता है मेरा डबल बेड है ना उसके लिए ये गोलू रहता है तो नौ दिन अच्छा। इनके घर में सब लोगों को हल्दी कुमकुम को वगैरह बना बुलाते हैं वैसे पुष्पा के यहाँ भी रहता था और ये देखो क्रिकेट की टीम यहाँ पे नीचे और इनका लड़का भी क्रिकेट खेलता है तो ये देखो रणजी प्लेयर ये बहुत सुंदर गणेश का मंदिर जैसा बना के वहां से उतर रहे हाँ, ये मेरा हमेशा का पूजा है अच्छा ये हमेशा का हर दिन का ये स्टेप्स अभी बनाए हैं इसको ये स्टेप्स रहे हमें सारा सालों से अच्छा ये इसको इसके लिए बना के इसको फिक्स करते हैं अच्छा ये 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर्स में ऑड नंबर्स में अच्छा तो आप बोलो आप बताओ आप थोड़ा सा बताओ इसके बारे में ये गोलू एक्चुअली 9 दिन का रहता है और हल्दी कुमकुम सब लेडीज को बुला के और एक एक दिन इसका जो है नवधान्य रहता है अच्छा। एक एक दिन वो शुंडल करके बोलते हैं उसमें जैसे चना हरा मूंग मोट चना दाल अच्छा। काबली चना और शेंग दाना एक एक दिन एक एक प्रसाद उबालते हैं उसको अच्छा। और उसमें नारियल डाल के भगवान को नैवेद्य करते हैं अच्छा। ये पूजा दुर्गाष्टकम बोलती मैं हर दिन सुबह पूजा कर लेते और अच्छा। भगवान को कुछ नैवेद्य करते फिर शाम को फिर से दिया लगा करके वो धान्य जो है वो भगवान को नैवेद्य अच्छा। करते और वो डेली उबालना है डेली वाला एक आया है ये गांव है ये गांव के लोग हैं हाँ ये आराम करते हैं और ये देखो ये इस टाइप का है ना ऐसे एक 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 सेट ये रखते मंदिर भगवान की मंदिर से ना वो और ये पालखी आ रही है भगवान की पालखी आ रही है तो ये छोटे छोटे इतना सुंदर तरीके से सजा के रखा है ना ये केले के झाड़ देखो पेड़ सुंदर बेडरूम और ये ऊपर का बेडरूम है ये आपका ये देखो ये हमारा अच्छा एक्चुअली बड़े बटे का दिया था अच्छा अभी वो यूएस गया नहीं तो मेरा नीचे वाला है अच्छा मैं ऊपर नहीं आती अच्छा मेरे को वो देखना है आपका सामने क्या ये नहीं खुला नहीं ये पेपर है घर बहुत सुंदर रखा है लता ने ये छोटा है हे काय होतं आपलं हे डायनिंगच आहे ना डायनिंग हे डायनिंगच आहे हे एवढं सगळं आपलं आपलं घरच ओळखू नयेत मला इथं काहीतरी वेगळं वेगळंच आहे और ये भी डायनिंग की प्लेस है जो अपना खटारा डायनिंग टेबल नाही रखा है क्या वो तो देखो ये देखो ये इनका कितना अच्छा दिखता अपने घर का पुराना वाला और इधर के साइड में बेडरूम है पेंटिंग्स भी अच्छी लगाई है और घर बहुत ही सुंदर रखा है और हम उनका घर ही देख रहे हैं और हमको समझ में ही नहीं आ रहा कि अपनी कौन सी रूम है क्या है और ये देखो ये ऐसे ऐसे बनाया ये यहाँ से एक सीढ़ियाँ निकाल ली इन्होंने बहुत सुंदर और ये बेडरूम है और ये लता का बेडरूम है और अच्छा सा पोस्टर लगा ज्यादा खास नहीं है और नहीं सुंदर है बहुत सुंदर रखा है मुझे ऐसे लग रहे हैं अभी 4 महीने पहले का हो क्या अरे 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 कितना दिन तक मैंने लता का रूम देखे कैसा देख रहे हैं मतलब किसी ने किया था ना ऐसे तो आज अपने व्लॉग का एंड अपन सुंदर से घर से करते हैं ये देखो तो यहाँ पे ये लता के घर से अपने व्लॉग का एंड करते हैं तो चलो मिलती हूँ अगले एक नए इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ तब तक लिए टाटा बाय बाय अरे आना लता और ये लता के आज का एंड लता करेंगे लता तू कर एंड कर बिल्कुल अभी नवरात्रि अभी लगता है कि ये जो है ना भाभी जी हम हमारे पास अगले साल ही आके फिर से इसको खत्म करेंगे लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए हर महीने हम लोग एक एक दूसरे के घर में चक्कर लगाएंगे और एक नया नया ब्लॉग डालते हैं मैं इनको बोली आपका इतना सुंदर घर है तो हमारा घर कोई इतना खास नहीं है नहीं नहीं सामने के रूम में बैठ के बिल्कुल भी ऐसा नहीं है सबका घर बहुत अच्छा है ये घर बहुत सुंदर अभी बनाया है इन्होंने 1.5 साल हो गए शायद दो साल और मेंटेन भी अच्छा करके रखे हैं
तो चलो मिलती हूँ एक और नई इंटरेस्टिंग व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया उन्होंने सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हाँ कर दो आगे बढ़ा दो। ओके बाय बाय।